सो है एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग सागर पॉप के जैसा वीडियो कैसे बना सकते हो। तो वैसे तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, बट कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई वो हाई स्पीड में जो वीडियो बनाते हैं वो हम कैसे बना सकते हो। तो आज के वीडियो में यही हम लोग जानेंगे कि सागर पॉप किस तरह से वीडियो बनाते हैं एंड आप लोग किस तरह से उनके जैसा वीडियो बना सकते हो एंड जो वो हाई स्पीड में रिएक्ट करते हैं यानी कि एक्टिंग करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सब कुछ आज आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं एंड शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल के ऑन पे प्रेस कर लेना। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो देखते होंगे, वीडियो तो नॉर्मल चलता रहता है, मतलब स्पीड काफ़ी फास्ट रहती है, लेकिन जो उसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो नॉर्मल चलता है। तो इस तरह का वीडियो आप लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, उस वीडियो को आपको अपने डिफॉल्ट कैमरे से रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको उसे एक अलग मेथड से करना है। तो वो क्या मेथड है उसे मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हो, आप लोग मेरे मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हो। तो आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, तो उसके बाद आपको या तो कोई एक साउंड सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो, या फिर आप कोई भी रेंडमली रील्स वाले सेक्शन में जाकर के कोई भी रील्स को या फिर किसी भी साउंड को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे साउंड वाला बटन दिखता है जैसे कि आप लोग कोने में देखते हो, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों, आपको उस साउंड को यूज़ कर लेना है जिसके ऊपर आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे कि सागर पॉप बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यूज ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्पीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जो कि आपको 1x यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2x के ऊपर क्लिक कर देना है, ध्यान से देखना आपको। तो जैसे दोस्तों आप लोग 2x के ऊपर क्लिक कर देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेना है जो कि आप लोग अपनी वीडियो वगैरह में यूज़ करना चाहते हो। तो दोस्तों, मैं फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से आप कोई भी रेंडमली अपना फ़िल्टर लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला फ़िल्टर यहाँ से यूज़ कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को अपने साउंड को अच्छे से सुन लेना है, अगर आप लोगों को आपका साउंड याद नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को सुन के दिखा देता हूँ। मैं म्यूज़िक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ या फिर नीचे आप लोग टाइमिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपने साउंड को सुन सकते हैं। देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा साउंड है। दोस्तों, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो चलेगा एंड आपको जो वॉइस ओवर करना है वो आपको ऐसे ही करना स्लो मोशन में, मतलब अपने जो होंठ जो आपको हिलाने हैं ना वो स्लो मोशन के अकॉर्डिंग ही हिलाने हैं। उसके बाद दोस्तों, जो आपका वीडियो बनेगा वो बहुत ही फास्ट बनेगा, जैसे कि सागर पॉप का बनता है। तो चलिए मैं आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ कैसे वीडियो बनता है। तो चलिए मैं यहाँ पे टैप करता हूँ वीडियो बनाने वाले ऑप्शन के ऊपर। कामयाब तो करेंगे मेरे भाई, ये छोटी मोटी दिक्कत से फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड आपका वीडियो कैसा बन चुका है आप यहाँ पे पता लगने वाला है। आप लोग अच्छे से अपना जो वॉइस मैच है ना वो कर देना, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही किया है, मतलब जल्दी जल्दी में आप लोग बहुत ही अच्छे से अपना लिप सिंक करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, मैं जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ आपका वीडियो बन के आ जाएगा। ओके रहेंगे मेरे भाई, ये छोटी मोटी दिक्कत से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, आपको अच्छे से लिपसिंग करनी है एंड आपको मतलब थोड़ा फास्ट करना है। उसके बाद आपका वीडियो एकदम से सागर पॉप के जैसा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई अच्छा सा कैप्शन डालना है एंड अच्छा सा हैशटैग डालना है एंड उसके बाद आपको अपनी वीडियो को शेयर कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपका वीडियो बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से बनेगा एंड एकदम ऐसा बनेगा जैसे कि सागर पॉप का बनता है। तो दोस्तों, आप लोग इस ट्रिक को एक बार ट्राई करो, काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो आपको जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।